सो फाइनली दोस्तों एंड्रॉयड 11 डेवलपर प्रीव्यू 4 विथ ऑक्सीजन ओएस 11 तो ये वन प्लस के डिवाइस के लिए लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग ये वन प्लस के यूजर्स हैं तो आप लोग ज़रूर से चेक करिए सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके कि नया अपडेट आया है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो कि एंड्रॉयड 11 का जो प्रीव्यू है डेवलपर प्रीव्यू 4 है वो आपको वन प्लस ऑक्सीजन 11 के साथ में आता है प्लस सिक्योरिटी पेस लेवल। तो सेप्टेम्बर का जो सिक्योरिटी पेस लेवल है वो भी आपको इसमें साथ एडेड मिलता है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं आपको कौन कौन से फ़ोन्स में डेवलपर प्रीव्यू 4 प्लस का सिक्योरिटी पेस लेवल सेप्टेम्बर 2020 में देखने को मिलता है। तो दोस्तों नेम की अगर हम बात करें तो आपको ये वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो में मिलता है। तो अगर आप लोग इनके यूज़र हैं तो आपको अपडेट चुका होगा, आप लोग ज़रूर से चेक करिए। अगर आप लोग वन प्लस के कोई और यूज़र हैं तो वेट करिए, शायद आपको 5 या 10 दिन के अंदर ये अपडेट देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, आगे हम बात करने वाले हैं आपको कौन कौन से नए फीचर्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं और भी कुछ बात करेंगे कि और डिवाइस हैं उनमें आपको ये अपडेट कब देखने को मिलने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है लोकेशन और आप लोग देख रहे हैं सेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। सो आइए दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वो दोस्तों वन प्लस ब्रांड की ओर से कि रिसेंटली सॉफ्टवेयर अपडेट लॉन्च हुआ है, जिस जो डिवाइस इसके लिए एलिजिबल है वो है वन प्लस 8 और 8 प्रो। अगर और कोई डिवाइस आप यूज़ करते हो तो वेट कीजिए, 5 या 10 दिन बाद में अपडेट आ जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एंड्रॉयड 11 प्लस ऑक्सीजन 11 के कुछ जो फीचर्स हैं डेवलपर प्रोग्राम्स के जो बीटा 4 है डेवलपर बीटा 4 आपको इसमें मिल जाता है प्लस सिक्योरिटी पेस लेवल सेप्टेम्बर 2020 का। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों जो सिक्योरिटी पेस लेवल है वो तो आप समझ ही गए होंगे, आपकी जो सिक्योरिटी है वो एक कदम ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स कैमरे और गैलरी के जो आइकन्स हैं उनमें थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों और भी कुछ बग्स फिक्सेस हैं और भी इम्प्रूवमेंट्स इसमें किए गए हैं। दोस्तों दूसरे अगर हम चेंज के बारे में बात करें आपको इस अपडेट में क्या चेंज देखने को मिलता है, सो जो आपका वन प्लस 8 और 8 प्रो में जो लेगिंग का जो इश्यू है उसको सॉल्व कर दिया गया है कुछ सेटिंग्स के अंदर। एक और मेन आपको अपडेट इसमें देखने को मिलता है ये है कि जब आप लोग अपनी जो स्क्रीन है उसको स्वाइप अप करते थे तो आपको थोड़ा उसमें लेग देखने को मिलता था, जो कि आपको इस अपडेट के साथ में आपको ये इनहेंस मिल जाएगा, थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया गया है तो आपकी जो स्क्रीन है वो स्मूथली वर्क करेगी। दोस्तों दूसरे अपडेट के बारे में बात करें तो आपका जो स्टेटस बार है जब आप लोग डार्क मोड ऑन किया करते थे तो आपको उसमें कुछ ब्लैक कलर की प्रॉब्लम आया करती थी, जो कि आपको इस जो ये अपडेट मिलने वाला है इसके बाद में कम्प्लीटली सॉल्व कर दी गई है। एक बड़ा अपडेट किया गया है गेमर्स के लिए, तो जब आप लोग कोई भी मान लो आप एक गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो या फिर कुछ भी और गेम खेलते हो, तो आप लोगों को जो एक ऑप्शन मिलता है अगर आप लोगों को स्क्रीन को साइड या फिर लेफ्ट और राइट करोगे तो आपको एक 4 ऑप्शन का एक साथ में देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको फिनेटिक मोड देखने को मिलेगा, स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलेगा और एक वी चैट का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारे आपको कंबाइन देखने को मिल जाएंगे जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है अगर आप लोग गेम खेलते हो और स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हो तो। दोस्तों एक बड़ा अपडेट आपको जो चेंज मिलता है वो आपको गैलरी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आप लोग गैलरी में अगर इंटर करते हो तो आपको पता है कि तो उसकी ऑटोमेटिकली जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाती थी, और वो थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन जब आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर लोगे तो आप लोग एक बार ज़रूर से देखना गैलरी को खोल के, आपकी जो ब्राइटनेस की जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर दी गई है इस अपडेट के अंदर। तो दोस्तों अब हम लास्ट फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट आपको कौन सा चेंज देखने को मिलता है इस अपडेट के अंदर। सो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे चेंजेस हो गए आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो थोड़े छोटे छोटे चेंज आपको देखने को मिलते हैं। जो मेन चेंज थे, जो बड़े बड़े चेंज थे वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो अब लास्ट चेंज के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि है नेटवर्क से रिलेटेड। तो नेटवर्क में जो आपका जो नेटवर्क है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है जब आप लोग कॉल्स अटेंड करेंगे, जी आप किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे नेटवर्क की कमी है तो आपको अपडेट अच्छे देखने को मिल सकते। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी अपडेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहती है। सो बस दोस्तों अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, यदि आपको कोई पर्सनल बात करनी है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से पर्सनली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और वीडियो मैंने बनाई थी वन प्लस ब्रांड की ओर से, जिसमें आपको ये बताया गया है कि
वन प्लस इलेवन में आपको कौन कौन से नए फीचर्स है जो कि देखने को मिलते हैं, तो आप ऊपर आई बटन में उस वीडियो को देख सकते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर से देखना। और एक और वीडियो बनाई है वन प्लस में आपको कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जिनमें कि आपको एंड्रॉयड 11 आपको वो डिवाइस एलिजिबल हो गए हैं कि इनको एंड्रॉयड 11 और ऑक्सीजन 11 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, तो वो भी आप वीडियो ऊपर आई बटन में प्रेस करके देख सकते हैं। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।